इनकी इनका इनकी सोच तो देखिए, ये राजनीति को केवल और केवल हारी नकारी कांग्रेस और उसके मित्र सपाई हो या बसपाई हो, ये इस देश को जाति के जंजाल में उलझाए रखने की खटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने तो ये कहा है कि इस देश में जाति है तो गरीब है, महिला है, नौजवान है, किसान है। जोशी जी बोलिए, ये जातिवादी लोग हैं। हमने कोई जाति की बात की क्या? मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं, मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं चार ही जातियां देश में, किसान है, नौजवान है, महिला है, गरीब है, और हम उनके लिए काम कर रहे हैं। जोशी जी बोलिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था। मैं इनसे आशा भी क्या कर सकता हूँ, यही तो वो पार्टी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण इनका ऑन कैमरा रिश्वत लेता है। अभी अभी चंडीगढ़ में ये लोग कैमरे के सामने एक लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते कहां, हैं। आज बीजेपी के साथ कहां, जो कहां ले गए बात जो को जो साढ़े नौ इधर उधर की ना बात कर, ये बताओ कि जातिवादी कौन है, ये बताओ कि जातिवादी कौन है, ये बताओ कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कौन करता है, ये बताओ भ्रष्टाचार देश में करना। इनको ये भी नहीं मालूम, इनको ये भी नहीं मालूम कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी किसी मैं जरा सी बात मैं एक बात बताना चाहता हूं, इनका ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं। हरियाणा में जेजेपी हमारी गठबंधन पार्टनर थी, हम बिना जेजेपी के भी सरकार चलाने और बनाने की स्थिति में थे, मालूम है आपको। हमने लगातार जेजेपी को साथ लेकर साथ निभाया। कुछ विषयों पर मतभेद हो सकते हैं, आपके भी होते हैं ना, तो इसमें कहां आपको भ्रष्टाचार दिख गया साहब? ठीक है, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आप इस देश को जातिवाद की दलदल में क्यों धकेलना चाहते हैं? क्या क्या स्वार्थ है आपका? जातिवाद जातिवाद की राजनीति कब छोड़ेंगे साहब? कब छोड़ेंगे सांप्रदायिकता की राजनीति? कब छोड़ेंगे मुस्लिम तुष्टिकरण की सियासत? कब छोड़ेंगे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति? कब छोड़ेंगे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति? कब छोड़ेंगे जातिवाद की राजनीति? अरे 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 अरे, आप लोगों के बीच में आप रहते नहीं, अगर 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 आप जानते पहचानते कि लोगों की भावनाएं क्या हैं, भारत के लोग अब जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र के नाम पर वोट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। आप अभी भी पुरानी बातों में उलझे हुए हैं, पहले उलझे हुए हैं। अरे वो सत्ताधारी पार्टी से लोग अगर भाग रहे हैं तो पता चलता है कि आपका जहाज डूब रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस जो कांग्रेस से भाग रहे हैं, जो सपा से भाग रहे हैं, जो कांग्रेस से भाग रहे हैं वो कौन है? जो कांग्रेस से भाग रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं देते, आंखें बंद हो जाती हैं आपकी। आपको जब कांग्रेस से आपके जहाज की चिंता करिए। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताइए कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में जाट सांसद हैं, जाट मंत्री हैं, जाट हमारे अध्यक्ष रहे तो हैं, लेकिन आप क्यों जाट जाट चिल्ला रहे हैं साहब? आप ज्यादा बड़े हितैषी हैं क्या जाटों के? आप ही आप आप लोग अगर आप छोड़ रहे हैं, अरे केवल वीरेंद्र सिंह जाट थे क्या? कैसे अज्ञानी हो आप? कितने अज्ञानी हैं आप? विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के जहाज में छेद हो गया है। रोहित जी आपके पास आते हैं, वीरेंद्र जी आपके साथी, आपके ही गठबंधन के साथी रोहित अग्रवाल बहुत देर से बैठे हैं। रोहित भाई आपके पास आते हैं, अब देखिए यहाँ सपा और कांग्रेस कह रहे हैं कि कांग्रेस की जाट वाली किसानों की नाराजगी थी, आ रहे आप ही के साथी हैं रोहित अग्रवाल, उनके पास चलते हैं। किसानों की जो नाराजगी थी उसी वजह से खट्टर को यहां से हटाना पड़ा, बीजेपी की मजबूरी थी और उसमें जहाज में छेद हो गया, लोग उतर रहे हैं और आप तो चढ़ गए। देखिए विपक्ष की हालत यह है कि पैरों तले जमीन नहीं पर
गुमान ये है कि इनको फिर भी यकीन नहीं, तो स्थिति ये हो चुकी है विपक्ष की कि नकारात्मक की आप सोच देखिए कि किस तरीके से जातियों पे उतर आई है, किस तरीके से जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी की जाति बताने का काम कर रहे हैं, सैनी साहब की जाति बताने का काम कर रहे हैं, जो पीडीए का नारा देने वाले अब जातियों के ऊपर घेरने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए गठबंधन को। दूसरी बात, एक बात हमको आपको समझनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय लोकदल जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुका है तो जितना भी जाट वोटर है पूरे देश के अंदर वो राष्ट्रीय लोकदल को माननीय जयंत चौधरी जी को अपना नेता मानता है और वो पूरी तरीके कैसे राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहने का काम करता है। अब वो गठबंधन एनडीए को पूरी तरीके से मिलने जा रहा है, तो इसलिए अब ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का असर है जो विपक्ष बार बार जाट वोटर की बात कर रहा है। दूसरी बात, हम इसको किसान वोटर की तरीके से देखते हैं, किसानों का विश्वास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, किसानों का साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और एक बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि इन लोगों को लग रहा था, डर था कि कहीं अगर सीटें ना हार जाएं लोकसभा चुनाव के अंदर, चुनाव पास आ रहा है, चुनाव इतना करीब आ जाने के बाद अगर पूरी पूरी सरकार बदल दी जाए और प्रोएक्टिव अप्रोच हो, अगर हमें ये डर हो, हम उनको सही मान लेते हैं कि अगर हमको ये डर था भी कि हम सीटें ना हार जाएं और प्रोएक्टिव अप्रोच के अंदर अगर हमने पूरी सरकार बदल दी तो ये अच्छा है, या आपकी तरह हम एक ही व्यक्ति को खींचते रहें, ड्रैग करते रहें और चुनाव हारते रहें? पॉलिटिकल पार्टी का काम है सरकार बनाना, पॉलिटिकल पार्टी का काम है सरकार में आके जनता की सेवा करना, तो सरकार बनाने के लिए अगर कोई स्टेप उठा भी रहा है एनडीए तो इसमें हर्ज क्या है? आपकी तरह थोड़ी ना है जो कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं आपके साथी का। जी राकेश जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप ये 2-3 साल का रिकॉर्ड देखोगे कि जिन लोगों के ऊपर वो खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, जिनके ऊपर ईडी की जांच थी, ऐसे सब लोगों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में लेकर शामिल कर आज राज्यसभा भेज दिया। अशोक चव्हाण हो, नारायण राणे हो, लगातार लिस्ट है, प्रफुल्ल पटेल जिनके साथ दाऊद की लिंक है ऐसे बता रहे थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रोएक्टिवली देश को प्रगति की राह पे लेके जाने के लिए, जिस व्यक्ति का दाऊद इब्राहिम से लिंक था उसको भी राज्यसभा भेजने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो दोगलापन है ना भारतीय जनता पार्टी का, ये लोग देख चुके, समझ चुके। और जो भाजपा के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी जी बहुत ही पॉपुलर सरकार है, देश की जनता उनको चुना है, तो उनको सिर्फ एक डाटा देता हूं, 100% जो वोट हुए थे ना 2019 में, सिर्फ 37% वोट शेयर पॉपुलर मोदी सरकार को मिला था। तो 37% अगर आपको वोट मिलता है, इसका मतलब 63% लोगों ने, जितने लोगों ने मतदान किया उन्होंने मोदी जी को रिजेक्ट किया। ठीक है वीरेंद्र जी, जवाब दे, इस बार मैं प्रेम सर के पास आता हूं। भारत में भारत का कानून, भारत का संविधान, वो एक वोट से जीते हुए को भी विजेता मानता है। ये क्या चाहते हैं, ये आंकड़े इस तरह के घालमेल करके ये क्या जताना चाहते हैं? क्या ये एक नेता के नाम पर लड़े हुए लोग हैं? क्या ये एक तरह की नीतियों वाले लोग हैं? क्या ये एक झंडे वाले लोग हैं? क्या एक तरह के दृष्टिकोण वाले लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के सामने आकर अपने आप को उनसे बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? देश के सामने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2014 में वोट मांगने गई, प्रचंड बहुमत मिला। 2019 से पहले हमारे विरोधी खूब रोए, खूब चिल्लाए, खूब गालियां दी नरेंद्र मोदी जी को, ये कहा कि ये तो वापस गुजरात चले जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी को भारत की जनता ने 14 से बेहतर बहुमत के साथ भेजा ना 19 में, और 24 में नरेंद्र मोदी इन राष्ट्र विरोधी और राम विरोधी, भारत विरोधी, हिंदुत्व विरोधी सोच रखने वाले प्रतिपक्षियों को और जोरदार राजनीतिक तमाचा मारने वाला है। रही बात किसान की, वो कौन लोग हैं जो किसी एक जाति को किसान मानते हैं? यादव किसान नहीं होते क्या? मनोहर जी जिन जो स्वयं किसान के घर में पैदा हुए, खेती भी की, उनकी जाति किसान नहीं है क्या? हमारे नायब सिंह सैनी, वो किसान नहीं है क्या? मैं जिस बिरादरी से आता हूं, जिस समुदाय से आता हूं, हम किसान नहीं है क्या? किसान भारत के लगभग हर समुदाय में है और भारतीय जनता पार्टी के पास जाट सहित सब समुदायों के किसान मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। भारत का किसान
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को चार साल खूंटी पर टांगने वालों के साथ खड़े होने के बजाय नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, क्योंकि उन्होंने एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने की। सबको बड़े ध्यान सुना प्रेम जी, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है सीएम बदलने का, तीन चार राज्यों में पहले हुआ था, इसके बाद वहां पे वो फॉर्मूला सफल रहा, या फिर अभी जो नए चेहरे तीन मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उसके बाद से आपको लगता है कि जो 370 का मास्टर प्लान है बीजेपी का उसमें कुछ सफलता मिलेगी? देखिए लोकसभा चुनाव है तो रणनीति के तहत ही बीजेपी बदलाव कर रही है, और दोनों बातें हैं, एक तो है कि डर लग रहा है तब तो बदलाव कर रही है, दूसरा है कि अपनी अपना बचाव भी आप इसमें शामिल है कि लूप होल्स है उसको दूर कर रही है। दोनों नजरिया हो सकता है कि खट्टर जी के एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने का तरीका है कि उनको हटा लीजिए तो नया चेहरा होगा तो उससे एक नई उम्मीद जुड़ेगी और पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, इस तरीके से। हालांकि एग्जांपल्स तो ऐसे भी हैं कि उत्तराखंड में हमने देखा था कि तीन तीन मुख्यमंत्री कितने जल्दी जल्दी बदल दिए गए थे, वो भी एग्जाम्पल है, और चुनाव के बाद नया चेहरा दिया जाता है वो भी एग्जाम्पल है। तो बीजेपी के पास परमोटेशन कॉम्बिनेशन के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसलिए क्योंकि उसकी अधिक से अधिक प्रदेशों में सरकार है, वो सक्षम भी है कि वो उसको बदल कर सके, प्रयोग कर सके, वो प्रयोग कर रही है। लेकिन हाँ, विपक्ष के सामने ये बात जरूर है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो सरकार की फेल्योर्स है, उसको सामने में लेकर के रख करके वो ये कहेगी कि नहीं, बीजेपी जो है जवाब नहीं दे पा रही है तो नया चेहरा हमारे सामने ला दी, और ये डिपेंड करता है कि विपक्ष इस मुद्दे को किस तरीके से पेश कर पाती है, क्योंकि बीजेपी ने तो अपने बचाव में ही बदलाव की चाल चली है जी। बहुत बड़ी बात कह दी वीरेन जी, बीजेपी ने अपने बचाव में बदलाव की चाल चली है, ये समीक्षक है प्रेम सर, और उन्होंने अपनी बात रखी। प्रेम जी ने जो कहा, प्रेम जी का अपना दृष्टिकोण हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की चुनावों में, आने वाले चुनावों में अपनी अपने दल की परफॉर्मेंस को आज से और बेहतर करने के लिए हर संभव उपाय करती है। हमने और बेहतर परफॉर्म करने के लिए अगर ये सकारात्मक निर्णय लिया है तो प्रतिपक्ष को स्वागत करना चाहिए, उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? छह महीने पहले अगर आप सीएम बदल देंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चुनाव से छह महीने पहले अगर आप सीएम बदल देंगे सकारात्मक कहां से? नकारात्मक कहां से हो गया? नकारात्मक हो इसीलिए है ना, भाई चुनाव से पहले आप उस चेहरे को लाने से बचना चाह रहे जनता के सामने। मैं आपको, आप कह रहे हैं ना ऐसा, ये प्रतिपक्षी कह रहे हैं ना ऐसा, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही वो समझ लीजिए, जो प्रतिपक्षी मित्र हमारे जब नरेंद्र मोदी जी को चौकीदार चोर कहकर पुकारते हैं, इन पर कोई भरोसा करता है क्या देश में? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब कहते हैं हम सब चौकीदार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर भरोसा करता है देश का जनमानस? हरियाणा में हरियाणा का किसान वो किसी भी दूसरे राज्य से बेहतर स्थिति में है, 14 फसलें एमएसपी पर यहां खरीदी जा रही हैं, किसान को उसके खाते में उसकी फसल का दाम मिल रहा है, और हम पर सवाल वो उठा रहे हैं जिनकी खुद की, जिनका खुद का गिरेबान चाक चाक हुआ पड़ा है, जिसमें सैकड़ों छेद हैं, जो छाज भी से भी बुरी हालत में छलनी मोड में है। तो मैं नहीं समझता कि इनके आरोपों पर, इनके जुमलों पर राकेश जी जवाब दीजिए, जनता या देश की जनता जवाब दीजिए करने वाली आप, है आपकी पार्टी इन्होंने, और आपके इन्होंने सारे उपाय करके देख लिए, इन पर भरोसा कौन कर रहे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत अच्छे प्रवक्ता है, मगर सच्चाई ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस है जेजेपी, उन्होंने अलायंस को तोड़ दिया है। दूसरी सच्चाई ये है कि जो मुख्यमंत्री है उनको इन्होंने खुद हटाया है, और तीसरे कि बीरेंद्र सिंह जैसे बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ आ रहे, ये इंडिकेशन है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो भारतीय जनता पार्टी, हमारी ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको खत्म करने का काम करेगी। इसी तरह शिवसेना के साथ हुआ, एनसीपी के साथ हुआ, तो ये जो पाठ पढ़ा रहे ना दुनिया को कि हम बहुत ही ईमानदार पार्टी है, ये आप करना बंद कर दीजिए, ढोंग है, और लोग ये ढोंग देख चुके हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल कैडर को बाजू में रखकर जो लोग को बाहर से इंपोर्ट किया
आपने एनसीपी और कांग्रेस से इंपोर्ट किया, उनको बड़ा बड़ा पद देने का काम कर रहे। आप लिस्ट निकाल के देखिए, आप लोग के भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस ही करण हो गए। बहुत बड़ी बात कही वीरेन जी, आप कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब कांग्रेस युक्त जो है बीजेपी होती जा रही है। अभी आप जिनको बोल रहे थे कि नाकारा है, पिटे हुए हैं सारे।